आगे वाला हिस्सा, तो उसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे। कभी अगर ऊपर तक आ रही है तो मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी सेंसिटिव बना रही है, जो प्राइवेट पार्ट है उसको आप खुला छोड़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी, अब देखिए ये क्या होती है। हाइपर का मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा, सेंसिटिविटी का मतलब है संवेदनशील। कि अगर हम बात करें किसी अंग के बारे में, तो अगर वो जो अंग है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, कि अगर आप कुछ भी टच हो तो उसको पेन हो, एक दर्द महसूस हो, अनकंफर्टेबल लगे, तो वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो आज हम मेनली बात करेंगे कि जो पुरुष होते हैं तो उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो पेनस होता है, उसका जो हेड वाला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा, तो उसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो पुरुष होते हैं उनका जो हेड वाला जो हिस्सा है पेनस के, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल है उसके अंदर ईडी की समस्या भी आ जाती है, कि उनका कभी भी उनके अंदर फिर तनाव नहीं आ पाता है, क्योंकि उनके माइंड में एक डर बैठ जाता है, एक घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि उनको पेन होता है। अगर वो किसी के साथ सेक्स करते हैं, मतलब कोइटस करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो भी उनको क्या होगा, पेन होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनको घबराहट होती है क्योंकि उनको दर्द होता है, तो उनके लिए जो एक प्लेजरेबल मोमेंट होता है वो भी उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही पेनफुल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हो सकता है किसी को ईडी की समस्या हो जाए, कि उनका जो तनाव है वो आना ही बंद हो जाए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो उसी तरीके से काम करता है कि अगर हमने पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स देखी हैं तो एक हिस्ट्री हमारे माइंड में रह जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो आगे काम नहीं करता, मतलब उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो जब उनको पता है कि उनको पेन हो रहा है, तो इसकी वजह से ईडी की समस्या भी हो जाती है। तो आज हम मेनली इसी के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में, कि आप घर पे क्या कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं, और ये होती क्या है, थोड़ा सा हम उसको डिटेल में जानेंगे साइंस की भाषा में, कि ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो को। सो माय नेम इज एकता, एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए ही देखते हैं। तो आप लोगों के लिए आसानी होगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे, तो आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारी नॉर्मल स्किन होती है, ठीक है, यहाँ की जो स्किन है, तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना है, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए कि इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स रहे ही ना, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत जल्दी ये सेंसिटिव हो जाएगी, कुछ भी अगर टच होता है तो हमें पेन होता है, ऐसा ही फील होगा। ठीक है, या फिर कहीं चोट भी लग सकती है। तो जो नॉर्मल जो हमारी स्किन होती है बॉडी की, तो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, किसकी, केराटिन की। ठीक है, ये केराटिन की बहुत सारी लेयर्स जब होती हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो जो मेल का जो पेनिस वाला हिस्सा होता है, तो उसमें क्या होता है, जो पीछे का जो हिस्सा है, जो जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक स्किन होती है, जैसे कि हमारी नॉर्मल स्किन होती है उसी तरीके से, एंड उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, किसकी, केराटिन की। ठीक है, तो इसकी वजह से वो वाला हिस्सा इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है ऊपर से। लेकिन क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, जो हेड वाला, जो आगे वाला हिस्सा होता है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही केराटिन की लेयर होती है, जिसकी वजह से वो सेंसिटिव हो जाता है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे। अब मैंने यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल स्किन है। ठीक है, तो जिसके ऊपर क्या है कि ये काट के देखते हैं, अंदर से डीपली हम देखते हैं, तो ऊपर की ये स्किन है एंड अंदर इसकी इस तरीके से परतें होती हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली जो परत है, इसमें क्या है, बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी, ये देखिए, बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, जैसे कि इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और हमारी जो स्किन है उसके अंदर क्या है, स्किन के अंदर बहुत सारी नर्व्स हैं। नर्व का मतलब होता है वो तंत्रिकाएं जो कि हमारे जो ब्रेन है, या फिर जो हमारा हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब तो जहां से हमें कोई भी सेंस होता है उससे वो सीधा जुड़ा होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, हमारे स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो तंत्रिकाएं क्या करती हैं, उनकी एंडिंग्स हमारे जो स्किन के ऊपर है यहाँ पे आके खुलती हैं। तो जिनमें ये जो स्किन है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि नॉर्मल स्किन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तंत्रिकाएं हैं इस तरीके से, तो इनकी जो एंडिंग्स होंगी वो यहीं तक रह जाएंगी। ठीक है, अब एंडिंग्स की वजह से ही तो हमें किसी भी चीज का सेंस होता है, हमें महसूस होता है कोई भी चीज। ठीक है, कि गर्म है, ठंडा है, कैसा है।
तो यहाँ पे इसकी एंडिंग्स क्या रह जाएंगी, थोड़ी सी स्किन के अंदर रह जाएंगी, तो ये वाला जो हिस्सा है उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की, तो आप सोचिए कि जो इनके अंदर की जो स्किन है, अगर वो क्या हो जाए, उसके ऊपर की जो लेयर है वो एक ही हो, तो क्या होगा, जो नर्व की एंडिंग्स होती हैं, अगर हम इसमें अंदर से बात करें तो ये जो नर्व की एंडिंग्स होती हैं, इस तरीके से मैंने रफ साइड डायग्राम बनाया है, तो ये जो नर्व की एंडिंग है तो ये सीधा क्या करेंगी, यहाँ ऊपर तक आएंगी। और जो नर्व की जो एंडिंग्स अगर ऊपर तक आती हैं तो क्या होता है, ये मैंने तंत्रिकाएं बनाई है, मतलब न्यूरॉन्स बनाए हैं, तो क्या होगा कि ये अगर ऊपर तक आ रही हैं तो मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी सेंसिटिव बना रही है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, मतलब ये एक ही लेयर है और उसके नीचे क्या है, नर्व की एंडिंग्स है, मतलब उनकी जो तंत्रिकाएं हैं उनके एंड प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से हमें क्या होता है, सेंसेशन होता है, या फिर हम समझ सकते हैं हमें भी कुछ भी महसूस होता है, बहुत ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि अगर जो नर्व की जो एंडिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा, ये नर्व सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, मतलब अगर ये बहुत ऊपर तक हैं, मतलब किसी की स्किन के ऊपर अगर बहुत ही कम केराटिन है, मतलब लेयर्स कम है, ये सिंपल तरीके से समझिए, तो उनको वहां पे सेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये अंदर ही रह जाती हैं, जो एंडिंग्स हैं, ठीक है, ये जो एंडिंग्स हैं अगर अंदर ही रह जाती हैं, बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं आती, तो क्या होगा, वो हिस्सा कम सेंसिटिव होगा, जैसे कि हमारी नॉर्मल स्किन होती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक SWM एकता व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं, स्टडी विद मी चैनल से SWM व्लॉग्स पे आए हैं। तो यहाँ पे 8 व्लॉग्स हमारे आ चुके हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं, और बहुत ही शानदार व्लॉग्स हैं। अगर आपको पसंद आए तो वो भी आप बताएंगे, अगर कोई कमी दिखाई देती है तो आप उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कहेंगे उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और ये जो हिस्सा होता है ये सेंसिटिव होना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं, अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर सेंसिटिव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली सेंसिटिव ये होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। समझ पा रहे हैं, अगर कम सेंसिटिव होगा तो क्या होगा, तो आपको बहुत ही कम, जो एक तरीके से ये नेचर ने सही बनाया है इस एरिया को सेंसिटिव, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, एक तरीके से आपकी जो प्लेजर है वो बढ़ जाता है यहाँ की सेंसिटिव होने की वजह से। लेकिन अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो आपको वो जो प्लेजर है वो भी कम फील होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आगे कि अगर किसी को दिक्कत है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी मुझे जरूर बताइएगा, तो वो लोग कर क्या सकते हैं, खुद से क्या कर सकते हैं, घर पे ही कुछ ऐसा हो कि आप कर पाए जिससे कि जो प्रॉब्लम है आपकी वो खत्म हो जाए, या फिर बहुत हद तक आप उसको कम कर सके। तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स की हेल्प से आपको बताऊंगी। तो पहला है कि आप वैसलीन सबके घर में मिल जाती है मोस्टली, अगर नहीं है तो आप ये खरीद सकते हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जस्ट आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ ताकि आप इसको समझ सके। तो क्या होगा कि जो वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली जो होती है, वैसलीन हम कॉमनली नाम यूज करते हैं इसलिए आपको बता रही हूँ, तो जो पेट्रोलियम जेली होती है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको जो हेड वाला हिस्सा है उसको कवर करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसकी सेंसिटिविटी कुछ हद तक कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, सेकेंड एक तो कोकोनट का ऑयल हो गया, और जैसे कि जैतून का तेल हो गया, मतलब जो नेचुरली जो ऑयल्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, जिससे भी क्या होगा उस जो हेड वाला हिस्सा है वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक लेयर, जिससे क्या होगा कि आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो क्रीम्स आती हैं, एक तो यहाँ पे मैंने इसे दिखाया कि नंबिंग क्रीम्स, दैट मीन्स कि जो एनेस्थेटिक जो क्रीम्स होती हैं, तीसरा क्या है कि एनेस्थेटिक जो क्रीम्स होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब एनेस्थेटिक क्रीम्स कौन सी होती हैं, जो कि एनेस्थेसिया का ही मतलब क्या होता है कि नम कर दे, जो भी हिस्सा है उसको सुन कर दे, तो ऐसी क्रीम्स आती हैं, कुछ ऐसे स्प्रे भी आती हैं जो कि क्या करती हैं, उस हिस्से को क्या कर देंगी, नम कर देती हैं। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो। लेकिन अगर आप कोई भी क्रीम यूज करते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, और आपको हो सकता है उससे एलर्जी हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है खुद से ही कि जो
आपका जो हिस्सा होता है आगे वाला, ठीक है, हेड वाला जो हिस्सा होता है, तो उसको जो आप नहाते हैं, ठीक है, नहाते टाइम उसके ऊपर अच्छे से आप गर्म पानी डालिए, या फिर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो ठंडा पानी डालिए। पानी डालने से क्या मतलब होता है कि वहां के जो सेल्स होते हैं, एक तरीके से आप उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब जो स्किन है, ठीक है, उसके नीचे जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको आप स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो और जो क्रिएटिन है वो बनाए। देखिए मैंने अगर कैरोटीन बोला है तो सॉरी, क्रिएटिन है वो, जिससे क्या होता है कि जो स्किन की जो लेयर है वो बनना शुरू हो, मतलब वो स्टिमुलेट हो जाए कि और भी जो लेयर्स हैं वो बनने लगे, ठीक है। आपकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाए, चाहे गर्म पानी हो या फिर ठंडा पानी हो, आप अच्छे से इस हिस्से के ऊपर डालें, ठीक है, जिससे ये होगा। और क्या कर सकते हैं कि जो आपका थंब है, थंब से आप थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो यहाँ पे आप दबा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि वही एक स्टिमुलस का काम करेगा और आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको कम करने का काम होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, जब भी आप नहाते हैं तो आप इस तरीके से करिए, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सोते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, ऐसे कपड़े पहनिए जो कि आपकी स्किन को सूट करते हो, ऐसे कपड़े नहीं जिनसे कि आपकी जो स्किन है वो इरिटेट हो जाती है, क्योंकि बहुत हद तक कपड़े क्या है, स्किन की कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो ऐसे कपड़े जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं वो पहनिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सोते हैं या फिर अकेले रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका ये जो अंग है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसको आप खुला छोड़ें। खुला छोड़ने से मतलब है कि ये जो स्किन है, ठीक है, एक फोर स्किन होती है, इसके ऊपर एक फोर स्किन होती है जो कि मूव करती है आगे पीछे, तो ये जो स्किन होती है आप उसको पीछे कर दीजिए, ठीक है, जो हेड वाला रीजन है उसको नॉर्मल रहने दीजिए, एंड ये जो स्किन है उसको पूरा का पूरा आप पीछे कर लीजिए। तो ऐसा अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, किसी किसी को ये बिल्कुल भी सहज नहीं लगता है, अच्छा नहीं फील होता है जब पीछे करते हैं, तो अगर आप उसको पीछे करके रखते हैं धीरे धीरे, तो हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, जब हवा के संपर्क में आता है तो एक खुला सा उसको महसूस होता है, ये जो एरिया है, जो हिस्सा है इसको, और क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हवा के संपर्क में रहता है, थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा सा शुष्क उसके लिए एनवायरनमेंट रहता है, तो जो स्किन है हमारी, तो यहाँ की जो इंटरनल जो सेल्स हैं वो एक तरीके से क्या करने लगती हैं, वो लेयर्स बनाने लगती हैं। जब भी स्किन इसके ऊपर रहती है तो यहाँ की यही कैपेसिटी है कि जो हेड वाला हिस्सा है कि यहाँ खुद से और लेयर्स नहीं बन पाती, एक सिंगल ही लेयर होती है, जैसे बहुत ही सॉफ्ट होती है तो सेंसिटिविटी उससे और ज्यादा बढ़ती ही है। लेकिन जब पीछे की तरफ इस स्किन को करके रखते हैं तो क्या होगा कि और जो केराटिन की जो लेयर है वो बनने लगती है धीरे धीरे। तो ऐसा आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, शुरुआत में आप थोड़े टाइम के लिए कीजिए, फिर थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दीजिए, तो इस तरीके से आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको आप खुद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश करते हैं, और आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो भी आप लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड आपको कोई कमेंट करना है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।